मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम खाना बदोशों की तरह कब तक भटकते रहेंगे और क्यों। खुदा ने हमें हारान की जन्नत तक पहुंचा ही दिया है, तो आप यहां से क्यों वापस जाएं? यहां क्या नहीं है? हरियाली है, पानी है, अंजीर के, जैतून के, खजूर के और बादाम के पेड़ हैं। मेरे दिल से मेरे खुदा की आवाज आती है कि हमें अभी और आगे जाना है। चलो। कहां? क्यों? हारान की यह जमीन तो इसलिए भी मुकद्दस है क्योंकि हमारा बाप इसी जमीन में अबदी नींद सो गया है। हमें कहीं ना कहीं बसना है अब्राहम, घर बनाना ही है। आप खुद ही पूछ लीजिए कि आपके साथ कौन जाना चाहता है, कौन जाएगा आपके साथ इस लगोदक रेगिस्तान में। सवाल यह नहीं कि मेरे साथ कौन जाएगा या मेरे पीछे कौन रहेगा, सवाल यह है कि आने वालों को मुझे खुदा के बताए हुए रास्ते पर ले जाना है और मंजिल तक पहुंचाना है। तो पहुंचा लीजिए, मैं या और कोई भी आपके साथ जाने को तैयार नहीं। जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। चिराग सिर्फ आंखों वालों को रास्ता बताता है। सारे सारे तुम ही समझा अब्राहम को, ये किस ख्वाब के पीछे भाग रहे हैं? एलियाजर, एलियाजर, लौट बेटे। तुम क्यों जाना चाहते इस दो ज़खीरे रेगिस्तान में जहां मौत की गर्म और तुंद हवाएं हमारा इंतजार कर रही हैं? तुम यहीं रुक जाओ। बैतूल है, मैं हूं, तुम्हारी छोटी अम्मी है, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम यहीं रुक जाओ, तुम हमारे साथ रहो बेटे। जिंदगी ने एक सबक हमको दिया है, यही बैठ रहना पानी।
ये लो अम्मी, पानी लेके आया हूँ। ये लॉट कितनी जल्दी बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, ये बड़ा होता जा रहा है और हम बूढ़े होते जा रहे हैं। अरे बदमाश, सीधे खड़े हो। क्या कर रहे हो? ये लो। लगी तो नहीं? नखलिस्तान है। पड़ाव डालो, पड़ाव डालो। आना, मीठी खजूरियां और ठंडा पानी लाओ। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। खूबसूरत है ना? बेशक। मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैं भी तो इसी की बात कर रहा हूँ। पर वो भी खूबसूरत है। मुझे पानी पिलाओ, मुझे भी पिलाओ। ला ला, भाईया भर लो, मशके भी भर लो। पानी ठंडा भी है और मीठा भी। अरे इन भेड़ों को हमारी बकरियों के पास किसने आने दिया? हट 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 हट, लाट की भेड़े, हट हट। तूने मेरी भेड़ों को क्यों मारा? अरे ज्यादा बोलेगा तो तेरे तेरी ये हिम्मत के मुझ पर हाथ उठाता है। अरे क्या कर लेगा तू मेरा? बोल दो भाड़ी का गुलाम, क्या कर लेगा मेरा? अबे मेरे आका को पता चल गया, तुझे निकाल कर बाहर कर देंगे। अरे चल हट यहां से। ये जमीन तेरे बाप की नहीं है। तेरी ये हिम्मत, तूने निमोक पर हाथ उठाया? मैं अपना फर्ज अदा कर रहा था। बदतमीज जबान लड़ाता है। मेरे फर्ज के बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जमीन तेरे बाप की है। ये बकरियां मेरे आका की है। हाँ तो तेरे आका की बकरियां सारी घास चरेंगी और मेरी भेड़ें भूखों मरेंगी। तो आप भी खाइए और अपनी भेड़ों को भी खिलाइए। देखा आप सबने? क्या हुआ? बाबा के नाम पे ये क्या क्या कर रहा है? क्या हुआ लॉट? इस भिश्ती का बहुत दिमाग खराब हो गया है और ये सब आपकी वजह से हुआ। आप किसी से कुछ कहते ही नहीं। ये हमारी भेड़े पहाड़ी के नीचे हाँक रहा था। मैं कहता हूँ उसे भेड़े। तुम कुछ मत कहो लॉट, मेरे साथ आओ। देखो अपने चारों तरफ, देखो खुदा ने हमें कितनी जमीन अता की है। इंसान इंसान से जमीन के लिए लड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो हो नहीं सकती। और फिर यूं भी
जमीन तो खुदा की है। दरअसल हुआ क्या है कि हमारी दौलत पड़ गई है। दौलत यानी भेड़ बकरियां, ऊंट, घोड़े। मेरी भी दौलत बढ़ गई है और तुम्हारी भी। और दौलत बढ़ जाने पर मालिक से ज्यादा नौकर मकरूर हो जाते हैं। अब मेरा गुलाम तुम्हारा कहा ना माने या तुम्हारा गुलाम मेरा कहा ना माने, ये कोई अच्छी बात नहीं। और फिर गुलामों की वजह से हम दोनों आपस में लड़ जाएं,